मोशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाय दिस इक्वेशन। चलो एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम का फंक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3t की पावर क्यू प्लस 7t स्क्वायर और प्लस 14t और प्लस 8। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कहता है एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन टाइम 1 सेकेंड, एक सेकेंड बाद पार्टिकल की एक्सलेशन कितनी होगी। तो एक सेकेंड बाद पार्टिकल की एक्सलेशन कैसे निकालेंगे यार, एक सेकेंड बाद सबसे पहले एक्सलेशन निकालो। तो एक्सलेशन निकालोगे तो कितना होगा, तो एक्सलेशन ए वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी dx अपॉन dt, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये तो 9t स्क्वायर प्लस 14t और प्लस 14, ठीक है, ये क्या है इसका वेलोसिटी है। तो एक्सलेशन एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो डीवी अपॉन डीटी, ठीक है, डीवी अपॉन डीटी, तो यह जाएगा 18t और प्लस 14, ठीक है ना। तो ये 18t प्लस 14, तो एक सेकेंड बाद एक्सलेशन कितना होगा, ए इसमें टी की वैल्यू 1 डाल दो, तो एक्सलेशन 1 सेकेंड बाद आ जाएगा 18 और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 14, तो 18 और 14 कितना होता 32, तो 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा इसका